नमस्कार, मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय गंगानगर से। आज हम बात करने वाले हैं हस्तिनापुर नाटक के बारे में, जिसके लेखक हैं नंदकिशोर आचार्य। इससे पहले भी हम हस्तिनापुर नाटक पर एक वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन हमने उस वीडियो में हस्तिनापुर का संक्षिप्त परिचय देखा था और नंदकिशोर आचार्य जी जो लेखक हैं उनके परिचय के बारे में भी बात की थी। आज हम हस्तिनापुर नाटक के बारे में कुछ विस्तार से बात करेंगे और इसकी तात्विक समीक्षा करते हुए आज के इस वीडियो में हम हस्तिनापुर नाटक के कथानक पर बात करेंगे विशेष रूप से। हस्तिनापुर नाटक महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम में है, लेकिन आधुनिक काल के साहित्य में हस्तिनापुर नाटक का अपना एक विशिष्ट स्थान होने के कारण यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक भिन्न प्रकार का, एक नई शैली का लिखा गया नाटक है। तो आज हम बात कर रहे हैं इस नाटक के तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा करते हुए विशेष रूप से इसके कथानक पर बात करेंगे। किसी भी साहित्यिक कृति की समीक्षा करते हुए जिस तत्व पर सबसे पहले बात की जाती है वह है विषय वस्तु, भाव पक्ष। और नाटक में जब हम विषय वस्तु की बात करते हैं तो वह होता है कथा। तो हम आज हस्तिनापुर नाटक के कथानक पर बात करेंगे। सबसे पहले उद्देश्य, भाषा व संवाद, देश काल और अन्य जो तत्व हैं बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आज हम देखते हैं हस्तिनापुर नाटक का संवाद। हस्तिनापुर नाटक का संवाद नहीं, कथानक। कथानक पर जब हम बात करते हैं तो हमने पहले भी बात की थी कि यह महाभारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है, पौराणिक कथा पर आधारित है और विशेष रूप से अंबिका व भीष्म के द्वंद्व की कथा है। या फिर हम प्रतीकात्मक रूप से इसको समझें तो स्त्री और पुरुष, सामाजिक हमारा जो ढांचा है, हमारा जो पौराणिक, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था रही है उसके अनुसार स्त्री के अधिकार क्या है, उसकी स्त्री चेतना को कितना महत्व दिया जाता है और पुरुष कहाँ कहाँ उसके उस अधिकारों की बात करता है और नहीं करता है। ये दोनों द्वंद अंबिका और भीष्म के माध्यम से भी कहीं ना कहीं साथ चलते हैं इस नाटक में। और जब अंबिका है तो उसमें अंबिका की वेदना, उसका उल्लास, उसका अंतर्बंध भी है। और प्रमुख पात्र इसमें अगर हम किसी स्त्री पात्र को कहें तो हमें अंबिका और शुभा में से चुनना हो तो हम शुभा को चुनेंगे, क्योंकि शुभा जो है वो सूत्रधार है। यद्यपि महाभारत की कथा में इस पात्र का उल्लेख नहीं मिलता है, ये नंद किशोर आचार्य जी की काल्पनिक अपनी एक रचना है, पात्र रचना है, जिसमें उन्होंने शुभा का निर्माण किया है। वो सूत्रधार भी है, वो पात्र भी है, वो भोक्ता भी है, वो वक्ता भी है। तो अगर हम इसके दृश्यों पर बात करें तो दृश्य परिवर्तन 9 बार होता है, अर्थात 9 दृश्य हैं इसमें। 8 बार परिवर्तन होता है, 9 दृश्य हैं। लेकिन यहाँ कहीं पर भी अलग से संकेत नहीं है, कथा में एक निरंतरता है, कथा को काटा नहीं गया, दृश्यों में बांटा नहीं गया विशेष रूप से। वो हमें अपने आप उसमें विभाजन करना होता है, क्योंकि इस तरह से कथा चलती है कि विदुर के घर में शुभा और कुंती बैठकर जब बात करते हैं, महाभारत की युद्ध समाप्ति के पश्चात की बात है, जब वो बात करते हैं तो उस एक रात में बातचीत करते हुए वो कितनी चीजों के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, वो सारे चीजें दृश्य बनकर बीच बीच में उपस्थित होते हैं। तो मूलतः यह एक रात की कथा है जिसमें शुभा और कुंती जो है वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और बीच में विदुर भी शामिल होते हैं। अगर हम इसको एक समग्र दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर
शुभा जो है वो संजय की दिव्य दृष्टि का काम कर रही है। युद्ध की भूमि पर संजय जो कार्य कथा का वर्णन करते हुए, युद्ध का वर्णन करते हुए धृतराष्ट्र को सुनाते हैं, वैसे ही शुभा कहीं ना कहीं उससे हमें साम्य दिखाती है, उसकी साम्यता हमें दिखाई देती है संजय की दिव्य दृष्टि के साथ में। लेकिन यहाँ पर शुभा जो है वो एक पात्र के रूप में अंबिका के साथ में है, वो उस कथा को वहन कर चुकी है, उन सारी पीड़ाओं से, सारे अंतर्द्वंद्वों को उसने स्वयं देखा है, भोगा है, इसलिए वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र भी है। जैसे स्थान परिवर्तन होता है तो मूल स्थान तो विदुर का घर है जहां पर शुभा है, शुभा और कुंती के बीच में वार्तालाप होता है, क्योंकि शुभा विदुर की माताजी है, इसलिए मुख्य स्थान विदुर का घर ही है। लेकिन बीच में दृश्य परिवर्तित होता है, सत्यवती का कक्ष भी आता है, अंबिका का कक्ष भी दो बार आता है, और इस तरह से जब भीष्म और सत्य के पति के बीच में बाद में संवाद होता है तो वहां पे राज्य का जो महल का कक्ष है उसका भी स्थान वहां पर संकेत मिलता है। तो इस तरह से, लेकिन मूल रूप से कथा जो है विदुर के घर में ही लौट लौट कर आती है, वहीं से प्रारंभ होती है और वहीं बीच बीच में वो लौट कर पहुंचती है। तो कथा का प्रारंभ कहाँ से होता है? कथा का प्रारंभ होता है दृश्य प्रथम से। दृश्य प्रथम कहाँ का है? विदुर के घर का है। महाभारत युद्ध के पश्चात का दृश्य है। कुंती और शुभा के बीच में वार्तालाप चल रहा है। कुंती और शुभा जो है वो आपस में बातचीत करते हैं और कहीं ना कहीं ये संकेत मिलता है कि कौरव जो है वो अब हस्तिनापुर को छोड़कर चले जाना चाहते हैं। विदुर का प्रवेश होता है और अस्पष्ट होती है स्थिति कि धृतराष्ट्र जो है वो गांधारी व कौरवों सहित वन गमन करना चाहते हैं, और प्रेत कर्म, और वन गमन करने का कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने प्रेत कर्म के लिए राजकोष से धन की मांग की, लेकिन भीम कहीं ना कहीं क्रोधित हो गए और उत्तेजित हो गए, और उन्होंने कहा कि द्रौपदी का अपमान करने वाले को इस तरह से प्रेत कर्म और उनके प्रेत कर्म की क्या आवश्यकता है, इस तरह से उत्तेजित होते हैं भीम। तो उस चीज को अपने विरुद्ध लेकर कौरव जो है वो धृतराष्ट्र जो है वो गांधारी सहित वन में चले जाना चाहते हैं, वो वहां पर नहीं रहना चाहते हैं। इस तरह से उसके बाद में कुंती शुभा जो है वो कुंती से अंबिका और भीष्म के संबंधों पर चर्चा करती है। अंबिका और भीष्म के संबंधों पर चर्चा करती है जब, तो शुभा जो है वो वहां पर एक दासी की तरह नहीं, एक इतिहास वेत्ता की तरह बात करती है, और भीष्म का कौरवों को साथ देने की बात पर भी करती है, और भीष्म और अंबिका के मध्य जब संबंधों की बात करती है तो वहां पर दृश्य परिवर्तित होता है और दृश्य दूसरा आता है। दृश्य दूसरा जब आता है तो वह सत्यवती के कक्ष का दृश्य है। सत्यवती के कक्ष में महारानी अंबिका जो है वो सत्यवती कक्ष के दृश्य में सत्यवती और भीष्म के बीच में संवाद चलता है, और उस संवाद को लेकर सत्यवती पहले भीष्म को मनाने का प्रयास करती हैं कि राज्य रक्षा का दायित्व आपका है, और भीष्म प्रतिज्ञा को वो जो है वो अप्रासंगिक भी बताती हैं और उन्हें तोड़ देने को कहती हैं और विवाह करने को कहती हैं। लेकिन किसी तरह से भी वो जब संतुष्ट नहीं होते हैं, राजी नहीं होते हैं, स्वीकृति नहीं देते हैं, तो अब जब राज्य व वंश के प्रति अपना कर्तव्य पालन की आज्ञा देती है, धर्म का मर्म समझाती है, प्रतिज्ञा का औचित्य पूछती है, और कुरु राज्य के उत्तराधिकार का प्रश्न करती है, धर्म निष्ठा से लड़ाई की बात करती है, और भीष्म को बोलती है कि आप अपने आत्मबिंब से लड़ रहे हो, आपका द्वंद्व, आपकी लड़ाई अपने आत्मबिंब से है। और फिर वो इस बातचीत को करते हुए विचित्र वीर्य की जो रानियां हैं उनके नियोग से संतानोत्पत्ति का निर्णय करते हैं। विचार विमर्श करने के पश्चात जब वो नियोग से संतानोत्पत्ति का निर्णय करते हैं परस्पर, तो फिर वो ये भी सोचते हैं कि उपयुक्त बीज भी होना चाहिए, राजकुल का कुरुवंश का ही होना चाहिए, और इस तरह से ना हो कि कोई अन्य वंश का बीज जो है उसमें शामिल हो जाए, और रक्त शुद्धता का प्रश्न जो है वो भीष्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब वो उपयुक्त बीज की तलाश की बात करते हैं तो सत्यवती जो है कृष्ण द्वैपायन का नाम लेती है नियोग हेतु। तो वो कहते हैं कि कृष्ण द्वैपायन क्यों? तो सत्यवती बताती है कि वो तो ऋषि पराशर के पुत्र हैं,
माता सत्यवती बताती हैं कि ऋषि पराशर से वो मिलने की घटना का उल्लेख करती हैं कि कृष्ण द्वैपायन जो है वो विवाह पूर्व सत्यवती के पुत्र हैं, और इस कारण कहीं ना कहीं भले ही वो कानिन पुत्र हैं लेकिन सत्यवती के पुत्र होने के कारण कुरु वंश का ही वो बीज कहलाएंगे। इसलिए इस तरह का उल्लेख करते हुए अपना पूर्व विवाह पूर्व का बताते हुए कृष्ण द्वैपायन को माता सत्यवती जो है वो भीष्म के सामने ऋषि पराशर से मिलने की घटना और कृष्ण द्वैपायन के जन्म की बात को उनके सामने बताती है और विश्लेषित करती है। अब हम कथानक के तीसरे दृश्य में आते हैं। दृश्य तीन बहुत बड़ा नहीं है, फिर से विदुर के घर का स्थान है। शुभा और कुंती के मध्य संवाद है और शुभा जो है वो बताती हैं कि किस प्रकार से माता सत्यवती जो है वो नियोग के लिए कृष्ण द्वैपायन को बुलाती हैं, आमंत्रित करती हैं, और अंबिका का लेकिन कहीं ना कहीं भीष्म के प्रति आकर्षण है, ये बार बार शुभा जो है वो कहती हैं। और फिर से दृश्य परिवर्तन होता है और दृश्य चार जो है वो हमारे सामने आता है। दृश्य चार अंबिका का कक्ष है और अंबिका और सत्यवती के मध्य संवाद की स्थिति है और उत्तराधिकार को लेकर सत्यवती अपनी चिंता उनके समक्ष प्रकट करती है। सत्यवती जब चिंता प्रकट करती है तो कहीं ना कहीं यह संकेत करती है कि नियोग के द्वारा संतानोत्पत्ति शास्त्र सम्मत है। और जब वो उनको बात करती हैं तो वो बताती हैं कि देवर से नियोग का आदेश वो देती हैं, उनको कहीं ना कहीं आग्रह मान लिया जाए या आदेश कह लिया जाए। तो सत्यवती जो है वो अंबिका को देवर से नियोग के लिए कहती हैं, तो उनका तात्पर्य कृष्ण द्वैपायन से नियोग का था, लेकिन अंबिका देवर से तात्पर्य क्योंकि उसे पता नहीं है कि कृष्ण द्वैपायन अंबिका के पुत्र हैं और उसके देवर लगते हैं। तो अंबिका जब देवर की बात करती है तो उससे सत्यवती जब देवर से की बात करती है तो अंबिका देवर से तात्पर्य भीष्म से लेती है, और भीष्म के प्रति क्योंकि अंबिका का आकर्षण है तो वह बहुत उल्लासित हो जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि कृष्ण द्वैपायन उनका आगमन होता है तो अंबिका निराश होती है, लेकिन क्योंकि माँ सत्यवती की आज्ञा है, धर्म का निर्वाह करना है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न मन में होने के बावजूद भी वह आंख मूंद कर अपने धर्म अंबिका अपने धर्म का धर्म को निभाती है, उसका निर्वहन करती है, और बहुत सारे प्रश्न उसके मन में तब उठते हैं। दृश्य पांचवा फिर से विदुर के घर का दृश्य है जिसमें शुभा और कुंती के मध्य संवाद होता है और वे बातचीत द्वारा ये उनकी बातचीत से ये स्पष्ट होता है कि जो प्रथम नियोग हुआ अंबिका और कृष्ण द्वैपायन के मध्य, क्योंकि अंबिका उसमें सहमत नहीं है, कहीं ना कहीं उसके मन में एक कलेश है, एक आक्रोश है कि उसकी इच्छा को जाने बिना, उसकी स्वीकृति लिए बिना कृष्ण द्वैपायन से उसके इस नियोग को के लिए उसको कहा गया, और जबकि वह अपने आप को भीष्म पितामह के प्रति समर्पित करने के लिए तैयार थी इस तरह से। लेकिन फिर भी क्योंकि उसके ऊपर दबाव है, कुलवधू है वो, इसलिए माता सत्यवती के दबाव से और राज्य धर्म का निर्वाह करते हुए, अपने धर्म का निर्वाह करते हुए वो आंख मूंद कर जो है वो नियोग के लिए प्रस्तुत हो जाती है कृष्ण द्वैपायन से। लेकिन जब वो प्रथम नियोग आंख मूंद कर होता है, पूरी तरह से समर्पण नहीं होता है, तो वहां पे आंखों से अंधे धृतराष्ट्र का जन्म होता है। और फिर से शुभा यहाँ बातचीत में ही उल्लेख करती है कि द्वितीय नियोग में अंबालिका कृष्ण द्वैपायन को देखकर डर से कांपने लगती है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, इसी के कारण उस नियोग के पश्चात रोगग्रस्त पांडु का जन्म होता है। लेकिन कहीं ना कहीं शुभा ये संकेत करती है कि लोक निंदा के भय से इस स्त्री ने भी, अंबालिका ने भी उस नियोग को स्वीकार कर लिया लेकिन इनकार नहीं कर पाई। अब दृश्य छह पर हम चलते हैं। दृश्य छह जो है वो पूरे नाटक में बड़ा महत्वपूर्ण दृश्य है, स्त्री चेतना का दृश्य है। वो क्यों है बात करते हैं। स्थान अंबिका का कक्ष है, अंबिका और भीष्म के बीच में संवाद है, दोनों
के बीच में जो है वो द्वंद होता है, श्रद्धा और प्रेम के मध्य अंतर की बात होती है, स्त्री मन स्त्री इच्छा पर बात होती है। लेकिन अंबिका जो है वो कहीं ना कहीं ये प्रश्न करती है कि क्या उस स्त्री की इच्छा को जाने बिना, उसकी स्वीकृति लिए बिना जो इस तरह से नियोग किया जाएगा, क्या वो बलात्कार नहीं है। इस तरह के बहुत से जो जुटते हुए प्रश्न जो है वो अंबिका भीष्म से करती है, और सत्यवती जो है वो भी संवाद में शामिल होती है। सत्यवती से भी वो यही इस तरह से प्रश्न करती है। तो सत्यवती जो है वो फिर से उसे राजधर्म का, अपने धर्म का हवाला देकर उन्हें नियोग के लिए आदेशित कर देती है पुनः। और जब पुनः अंबिका को कृष्ण द्वैपायन से नियोग का आदेश देती है सत्यवती, तो अब अंबिका अधिक परिपक्व है, उसकी सोच अब स्पष्ट है, और वो अपने आप को, अपने मन को कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार नहीं कर पाती है। और अंबिका और शुभा के बीच में संवाद होता है, तो तुरंत अंबिका इस निर्णय पर पहुंचती है कि मेरे स्थान पर शुभा, मेरे स्थान पर तुम जो है वो कृष्ण द्वैपायन से नियोग के लिए प्रस्तुत होगी। और अंबिका अपने स्थान पर शुभा को नियोग के लिए प्रस्तुत करती है, और यहीं पर जो है पूरी कथा मोड़ ले लेती है। और कहीं ना कहीं अंबिका का विरोध दर्ज होता है, किस रूप में, कि वो स्वयं प्रस्तुत नहीं होती है, अब वो अपने स्थान पर शुभा को प्रस्तुत करती है जो उसकी दासी है। और शुभा जो यहाँ पर पात्र भी है और सूत्रधार भी है, यहाँ पर यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है। कथानक आगे बढ़ता है, सातवें दृश्य में फिर से विदुर का घर है, और शुभा और कुंती के बीच में संवाद चल रहा है। शुभा कहीं न कहीं अपनी अनुभूतियों को साझा करती है कुंती से कि किस प्रकार कृष्ण द्वैपायन के साथ उसकी जो नियोग की स्थिति थी, उसने उसको एक साधना अवस्था तक पहुंचाया, और उसके परिणाम स्वरूप बुद्धिमान और ज्ञानवान विदुर का जन्म हुआ। और कहीं ना कहीं शुभा आप कुंती के साथ बातचीत करते हुए ये भी स्पष्ट करती है कि भीष्म जो है वो हर हाल में कौरवों का साथ देते हैं, पांडवों का साथ नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण अंबिका के प्रति एक कोमल भावना रही होगी। भीष्म का आग्रह राजा बनने के लिए रक्त शुद्धता का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार जब भीष्म बात करते हैं राज्याधिकार देने की, तो वो बीज से लेकर चाहे राज्याधिकार देने तक वो रक्त शुद्धता पर अड़े हुए हैं कि कोई शुद्ध रक्त वाला और कुरुवंशी ही जो है वो राज्य का उत्तराधिकारी हो सकता है, कोई शूद्र नहीं हो सकता। इस बात को लेकर अच्छी खासी बहस जो है वो शुभा करती है, जो दृश्य 8 में हमें दिखाई देती है। दृश्य 8 में सत्यवती और भीष्म के बीच संवाद है। पांडु की जो उस समय तक मृत्यु हो चुकी है, और धृतराष्ट्र जो है क्योंकि और कोई योग्य व्यक्ति है नहीं अभी, और साथ में जो बालक हैं वो अभी छोटे हैं, उनकी शिक्षा का कार्य चल रहा है। तो तब तक भीष्म और सत्यवती के बीच में ये बातचीत होती है कि धृतराष्ट्र को ही राज सिंहासन पर बिठा दिया जाए, क्योंकि कार्य तो सब हमें ही संभालना है, दायित्व तो हमें ही संभालना है, लेकिन वो राज्य की गद्दी को पर जो है वो विराजमान होंगे। और शुभा का प्रवेश होता है। शुभा का जब प्रवेश होता है तो वो इस बातचीत का हिस्सा बनती है, और वो विदुर को राजा बनाने की बात करती है कि उसको क्यों नहीं बनाया जा सकता। उसका उसका अभिप्राय वहां राजा विदुर को, शूद्र विदुर को राजा बनाने का नहीं है, उसका अभिप्राय जो राज्य की या भीष्म की या सत्यवती के अंदर की विरोधाभास विसंगतियां और जो कुतर्क है उनको सामने लाना है। और वो इस ये मानने के लिए कहीं किसी तरह से संतुष्ट नहीं है कि विदुर जो है वो क्यों अयोग्य है, और विदुर अगर शूद्र है तो कर्ण शूद्र क्यों नहीं है, और किस तरह से वो अपनी बात को आगे बढ़ाती है। और शुभा की आपत्ति और न्याय संगत विश्लेषण वो तर्क के साथ में प्रस्तुत करती है, और शुभा इस तरह से प्रश्न करती है कि उसके प्रश्नों के सामने, कटु कड़वे प्रश्नों के सामने जो बीच में है वो भी निरुत्तर हो जाते हैं। अब हम कथानक में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दृश्य संख्या 9 में, जो इस नाटक का अंतिम दृश्य है। फिर से विदुर का घर है, शुभा और कुंती के बीच में संवाद होता है।
यहां पर शुभा का स्वाभिमान, सजगता और भीष्म की नीति शैली पर प्रश्न जो है वो सामने आते हैं। राज्य की अंदरूनी विसंगतियों और विरोधाभासों को लेकर वह प्रश्न करती है, भीष्म की भूमिका पर सवाल करती है, कुरुवंश, भीष्म आदि पर शुभा का आक्रोश है। जब शुभा और कुंती के बीच में संवाद चल रहा होता है तो विदुर का प्रवेश होता है और कथा के प्रारंभ से उसका अंत जुड़ता है। प्रारंभ में ये बात हुई थी कि धृतराष्ट्र गांधारी सहित वन गमन करना चाहते हैं कौरवों के साथ में, तो अंतिम दृश्य में भी फिर वही स्थिति है कि जब वन गमन करना चाहते हैं, विदुर भी उनके साथ जाना चाहते हैं, विदुर का आग्रह है माता को भी चलने का, लेकिन उनकी माता शुभा कौरवों के साथ वन जाने से मना कर देती है और विदुर उनको चलने के लिए आग्रह करते हैं तो वह अपने पुत्र को भी स्पष्ट इनकार कर देती है और अपना मत बड़ी दृढ़ता के साथ सामने रखती है। इस तरह से पूरे नाटक में शुभा जो है एक बहुत ही सशक्त पात्र बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होती है और ये पात्र हमें महाभारत में दिखाई नहीं देता है। ये नंद किशोर आचार्य जो है वो विशेष रूप से इस नाटक में उन्होंने इसकी कल्पना की है और एक सशक्त स्त्री के रूप में बहुत सारे प्रश्न जो है वह भीष्म पर उठाती है, राज्य की न्याय व्यवस्था पर उठाती है, राज्याधिकार के सवाल पर उठाती है और रक्त शुद्धता के प्रश्न पर भी उठाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर से हस्तनापुर के जो बाकी तत्व हैं उन पर बात करेंगे, उद्देश्य, भाषा, संवाद आदि पर।